आज आशा देवी शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर कौशल पूनिया के भाई स्वर्गीय नितिन पूनिया की 18वीं पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद राहुल कसवा एवं विशिष्ट अतिथि एएसपी अशोक बुटालिया, राजगढ़ तहसीलदार इमरान खान, किसान नेता वेद प्रकाश पूनिया, कर्नल अनिल पूनिया, सोनी नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर रामावर्ता सोनी, समाज सेवी गणेश दाहिमा, वासुदेव लोहारीवाला, राजस्थान कॉलेज के निदेशक दीपचंद साहू ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ स्वर्गीय नितिन पूनिया की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वर्गीय नितिन पूनिया के भाई डॉक्टर कौशल पूनिया ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए आने वाले रक्तवीरों का धन्यवाद किया। धन्यवाद आप सभी का। एक छोटी सी एक जो हमारे परिवार के साथ एक अचानक से एक घटना घटी वर्ष 2005 में, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे छोटे भाई नितिन पूनिया वर्ष 2005 में अचानक से ब्रेन हेमरेज से हमारे बीच से चले गए। उनकी याद में वर्ष 2018 में इसी प्रकार से एक ब्लड डोनेशन कैंप इसी महाविद्यालय परिसर इसी हॉल में ही लगा था, तो मैं मेरी तरफ से आप सभी तरफ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे बीच में हमारे सम्माननीय आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अशोक जी बटोलिया साहब का और मंच पर विराजमान पिता तुल्य आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया, डॉक्टर रोशनलाल जी सैनी साहब, श्री सत्यनारायण जी डोकेवाला साहब, मामा जी श्री कृष्ण जी सांगवान साहब, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ कि शॉर्ट समय में आपने हमें समय दिया। माननीय श्री अनिरुद्ध जी, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और एक इस श्रद्धांजलि स्वरूप इस रक्तदान शिविर में मेरे आह्वान पर मेरे भाई मेरे मित्र आदरणीय सभी दोस्त आप सभी पधारे हैं और विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ छोटे भाई को और आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान नेता वेद प्रकाश पूनिया ने रक्तदान महादान बताया और आशा देवी शिक्षण संस्थान के इस कार्य की सराहना की। एक बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय कदम मैं मानता हूँ आशा देवी शिक्षण समूह के संस्थान के निदेशक की ओर से अपने भाई की समर्थन में रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ के लिए अपने आप को तैयार होकर आए हैं। सभी भागीदारों को धन्यवाद। इस तरह के आयोजन बार बार होते रहे, मानव जीवन से जुड़ा ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। सभी को धन्यवाद। चूरू के युवा सांसद राहुल कसवा ने स्वर्गीय नितिन पूनिया को श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद वो बच्चों को मोटिवेट करते नजर आए। दोबारा कभी भी लाइफ में नहीं आएगा। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, बैठे हैं अपने लाइफ में अपनी फील्ड में सब सक्सेसफुल हैं। मैं एज अ पॉलिटिशियन समझता हूँ कि आज भी बहुत कुछ सीखने की तमन्ना है, बस इतना जरूर सोचता हूँ कि काश भारतीय रूप में भी ज्यादा सीख ली होती। ठीक है, तब मैं खाने इतने के काम और फोकस करो। और कौशल जी पूनिया साहब ने जो नितिन जी की याद में ये पुण्यतिथि मनाई है ब्लड डोनेशन कैंप के मार्फत, आप भी ऐसा कैसा अपनी लाइफ में नवाचार कर सकते हो अपने फैमिली के उन लोगों को जो अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और आज भी हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में उनको डालें, ये सीखने की बात है। दो बातें जरूर कहूँगा, बदलता हुआ वक्त है और देश के प्रधानमंत्री महोदय का ये आह्वान है कि आने वाला 25 साल जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, हम इंडिया का सबसे बेहतरीन समय हमारा अब है, बिकॉज हम सबसे यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अब हम सबसे ज्यादा आबादी भी हमारी होगी है, हमने चाइना को भी 40 लाख से पार कर दिया है, पर जो एवरेज एज है वो हमारी 65% प्लस पॉपुलेशन की 30 से नीचे की एवरेज है। सो वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और मैं उसको महसूस करता हूँ कि ये देश के पीएम ने भी इस बात का आह्वान किया है कि ये अमृत काल है, अमृत काल बहुत गोल्डन एरा है और हम सब उसके हिस्सेदार हैं। मैं एज अ पॉलिटिशियन, आप एज अ कर्नल, आप एज अ सरदार और आप एज अ स्टूडेंट, सो व्हाट बेस्ट कैन वी गिव
जो हम अपनी सोसाइटी को दे सकते हैं और इस साल के अंदर देश को हम उस टॉप लेवल पे जो 100% डेवलप्ड नेशन बन सके उसकी तरफ बढ़े आगे। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि कोशिश ये करो अपनी फैमिलीज में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में पीछे उठ के ये देखो कि कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो पीछे छूट गए हैं लाइफ के अंदर, उनको हम कैसे आगे ला सकते हैं। बातें बड़ी जरूर है पर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और सोसाइटी का सोशल वर्क के ऊपर आप फोकस अवश्य करें। मैं हाल ही में कुछ दिन पहले एक चूरू के अंदर आपकी पाठशाला नाम की व्यवस्था चलती है, अगर कभी मौका लगे तो मैं कौशल जी कहूंगा कि झारखंड बस नहीं है और बसा में बच्चा में बिठा के एक दिन को अवश्य टूर बच्चा बात कराओ। जिंदगी कैसे शुरुआत होती है और हम आज कहां आ गए हैं, आज भी आप बहुत अच्छे वेल्यूड हो पर आगे की भी तमन्ना और भी है, ये कभी रुकता नहीं सिस्टम, आगे से आगे आगे से आगे इंसान की सोच होती है कि आगे लाइफ में बढ़ना है। पर उन गरीब बच्चों के पास देखते आओ जिनके पास जिंदगी के शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं, कितने चैलेंजेस के साथ में लाइफ जी रहे हैं, तो उससे आपको बहुत बड़ा एक कंटेंट फील भी होगा। नंबर टू, आपकी पर्सनैलिटी पे एनहांसमेंट मिलेगा सोसाइटी के अंदर, कहीं पर भी वर्ल्ड ओवर दुनिया में परिवर्तन है इस का एजुकेशन सेक्टर में कि हम कितने नंबर्स दे के आ रहे हैं वो प्रायोरिटी नहीं, हम कितना ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व है वो अपनी प्रायोरिटी है। आज भी अगर 12th पास कर लिए, आपने कॉलेज कर लिया, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे तो ये मत मानना कि आपके 95% मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, हो सकता है 85 वाले को ले जाए क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी है। तो छुट्टियों का मौसम आने वाला है, आप किस रूप के अंदर सोसाइटी के अंदर कुछ हेल्प कर सकते हो, किस टारगेट वर्क को आप देख सकते हो। हमारी बच्चियां 80% इस कंट्री के अंदर एनेमिक है, आयरन की डेफिशिएंसी है, स्टंटिंग 45% से ऊपर है, हमारे 5 ईयर्स से बच्चे को लेवल लो बच्चे हैं, कैसे हम मदर्स को गांव में महिलाओं को एजुकेट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम बन सकते हैं और आप टीचर्स जो बैठे हैं उसी प्रोग्राम के ऊपर बच्चे की 12 महीने की स्टडीज का एक करिकुलम हिस्सा ये होना चाहिए कि व्हाट आर यू गिविंग बैक टू सोसाइटी, दैट शुड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कहूंगा कि ये साल देश भर और दुनिया मिलेट ईयर के रूप में मना रही है, मिलेट माने मोटा अनाज, कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ में इस मोटे, हम उस लेवल पे आ गए हैं जहां क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। एक टाइम था जब देश के अंदर खाने को दाना भी नहीं और उसके लिए देश बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चालू करके एक आम आदमी के पेट में रोटी पहुंचे जैसी व्यवस्था कर रहे हैं। बीते हुए 4 सालों से हम एक योजना के तहत 85 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम भारत सरकार कर रही है, पर दुनिया भर में मिलेट ईयर को बहुत प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि बढ़ता हुआ बीमारी का स्तर हमारे घरों में डायबिटीज हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो या किसी भी तरह की बीमारियां जो है तो कहीं ना कहीं हमारे खान पीन से है और दुनिया मिलेट ईयर को सेलिब्रेट कर रही है। आप यंग बच्चे हो तो मैं आपसे कहूंगा अपने परिवारों तक भी इस मैसेज को बताए भेजिए, मिलेट है क्या मोटा अनाज और अपने क्षेत्र में बाजरा होता है, जो होता है, जो भी है उसको अपने लाइफ में कैसे अपना सकते हो, अपनी फैमिली की लाइफ में उसके ऊपर आप सभी फोकस करेंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और कौशल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे बढ़िया से प्रोग्राम में बहुत छोटे से नोटिस पे बुलाया है, हमारा मैसेज कल ही आया लेकिन शायद तो मैं आज पहुंच गया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा विचार है।